राजस्थान के जयपुर में हुई करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की हत्याकांड के मामले में अब राजपूत समाज हरियाणा में भी सड़कों पर उतरना शुरू हो गया है। इस कड़ी में आज यमुनानगर में भी राजपूत समाज के कई लोग सड़कों पर उतरे और समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें उन्होंने हत्या के पीछे जिस लोगों का हाथ है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की जो निशंस हत्या की गई उसके विरोध में राजपूत समाज और करणी सेना ने मिल करके प्रदर्शन किया और ये मांग पत्र दिया कि प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जाए और जो इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो राजनेता है या कोई और अन्य है, गैंगस्टर है, उनका पर्दाफाश किया जाए और हत्यारों को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। आपको बता दें कि राजपूत समाज ने सुखदेव सिंह गोगामाड़ी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है और इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।